गीत और पर्यावरण और अपने फिल्मी सफर को लेकर पद्मश्री सुनील जोगी से चल नंबर वन की खास बातचीत देखिए। हमारे साथ लेखक और कवि पद्मश्री सुनील जोगी जी मौजूद हैं, भोपाल आए हुए हैं। जोगी जी, बहुत स्वागत है भोपाल। शुक्रिया, थैंक यू। कविता का हम जिक्र करें जी, एक कवि का दिल आज के परिप्रेक्ष्य में क्या सोच रहा है? कवि तो हमेशा देश का, समाज का, भाषा का शुभचिंतक ही होता है। कवि अगर हृदय से है तो हमेशा जो है वो समाज और देश का हित चाहेगा, वही मैं सोचता हूँ। अगर देश के हित की बात करें, आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें, तो कुछ कविता के जरिए। मैंने समाज के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, जिसमें बेटियां हैं, माँ है, संस्कार की कविताएं हैं भारत की। वैसे तो मैं हास्य व्यंग का कवि हूं, लेकिन मैं समाज के लिए बहुत काम करता हूं। मध्य प्रदेश में हूं तो मध्य प्रदेश का भी मैंने एक राज्य गीत लिखा है, वो भी जय जय मध्य प्रदेश हमारा, जय जय मध्य प्रदेश, यहाँ नर्मदा का उद्गम है, खजुराहो का संदेश, जय जय मध्य प्रदेश, जय 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 मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं देश का माहौल है, बेटियों के लिए भी आपने बहुत कुछ लिखा है, और बेटियों के साथ जब अत्याचार दुराचार होता तो दिल कहीं ना कहीं बहुत गुस्से में होता हो। बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत संवेदनशील व्यक्ति हूँ और बेटियों के प्रति बहुत चिंतित होता हूँ जब ऐसी घटनाएँ सुनता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जितने कठोर कदम हमारे कानून में हैं या सरकारें बनाती हैं, कहीं उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है उनकी। और इसके साथ साथ कहीं कमी ये है कि समाज में नैतिक शिक्षा की कमी हो रही है। जो कॉन्वेंट स्कूल हैं और जो हमारे घरों का वातावरण है, उनमें बच्चों को वो मानवीय मूल्य नहीं समझाए जाते। अगर आसान भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि उन्हें कार तो हम जल्दी दे देते हैं, संस्कार नहीं देते। तो ना इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप भी असफल हैं और जो शैक्षिक संस्थान हैं वो भी नैतिक शिक्षा और सामाजिक जो संस्कार हैं उनकी बजाय दूसरी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति पहले उसमें नैतिक शिक्षा और एक सामाजिक संस्कार की शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है। योगी जी, आपने प्रकृति को लेकर भी बहुत कुछ लिखा, और जिस तरह से माहौल देख रहे हैं, गर्मी लगातार बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज का माहौल है, तो प्रकृति को लेकर किस तरह से कवि का हृदय क्या सोच रहा है और क्या लिखा है आपने? मैंने प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए जल गीत है मेरा, पर्यावरण के गीत हैं, और वृक्षों के लिए बहुत सारा काम मैंने किया है और सैकड़ों कविताएं हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो वातावरण है ये बिगड़ रहा है। जिस तरह से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, शहर फैलते जा रहे हैं, गांव विकास में कहीं ना कहीं हमारी जो हरियाली है, हमारा पर्यावरण है, वो ना नष्ट हो जाए। मैं विकास का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उस विकास में कहीं सत्यानाश की तरफ हम न चलें। ये मैं, बड़ा दुख होता है जब मैं जिन नदियों में बचपन में नहाता था उनमें पानी या तो इतना मैला है कि उसमें नहाने की आप सोच भी नहीं सकते, या फिर है ही नहीं। तो उन नदियों की कल्पना, हम इस देश को, गंगा का देश है ये, नर्मदा का देश है और संगम इस देश में है, और इस देश में अगर सूखी हुई नदियाँ मिलेंगी तो पशु पक्षी क्या करेंगे बेचारे। इंसान तो कहीं जाके पानी पी सकता है, कुआं खोद के भी पी सकता है, लेकिन ये तो हमारी भारतीय संस्कृति सब जीवों का भला चाहती है। तो तड़पती हुई मछलियां, तड़पते हुए पंछी मिलते हैं आजकल जो सूखी नदियां हैं, तो चिंता तो होती है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि केवल इससे बचने का एक ही उपाय है कि हर सरकार को ये चाहिए, हर व्यक्ति को ये चाहिए, हर शैक्षिक संस्थान को, स्कूल को ये चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पर बल दे, और किसानों को भी चाहिए कि वो कम से कम अपनी ज़मीन पर एक अच्छी संख्या में वृक्षारोपण जरूर करें, क्योंकि पेड़ ही है जो इस बदलते हुए जो पर्यावरण को बचा सकते हैं। ये जो इस समय बेमौसम इतनी गर्मी पड़ती है, धूल भरी आंधियाँ आती हैं, और दिल्ली में मैं रहता हूँ, दिल्ली में तो इतना खराब वातावरण हो जाता है, कई बार बच्चों के स्कूल बंद करने पड़ते हैं, सांस लेना दूभर हो गया है। तो मैंने कहीं पेड़ के लिए कहा था कि सदा फल फूल देते हैं ये, वीरानी नहीं देते, और सदा हरियाली देते हैं, परेशानी नहीं देते, उन्हें हक ही नहीं है बाद मरने के लकड़ियों का, जो जीते जी लगाकर पेड़ को पानी नहीं देते। और जिस तरह से एक कवि के साथ एक लेखक हैं, फिल्मों के लिए भी काम किया आपने, तो किस तरह का सफ़र रहा है फिल्मों का?
बहुत शानदार सफर है, क्योंकि फिल्म एक बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा माध्यम। और अभी मेरी फिल्म पिछले दिनों आई थी मुक्काबाज, अनुराग कश्यप जी की, और अच्छी स्टार कास्ट थी, जिमी शेरगिल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और लोग थे। और उससे पहले भी मैंने कई फिल्मों के गाने लिखे, मैंने जगजीत सिंह साहब का एल्बम लिखा, पंकज उदास जी का एल्बम लिखा, और लगभग 20-25 एल्बम मैंने लिखे। और बॉलीवुड के जितने भी बड़े गायक हैं उन सब ने मेरे गाने गाए हैं, तो आने वाली भी कुछ फिल्में आ रही हैं। तो फिल्म का जो कैनवास है वो थोड़ा बड़ा होता है, और खुद को पर्दे पे सुनना या देखना सबको अच्छा लगता है, तो मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि हास और व्यंग आपका पसंदीदा है, तो कुछ सुनना चाहेंगे अंत में आपसे? मैं तो चूँकि राजनीति मेरा प्रिय विषय है, क्योंकि राजनीति जो है वो सबको प्रभावित करती है, समाज को, और मैं हर विषय से हास्य निकालता हूँ। तो उनमें से बहुत सारे विषय हैं, केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी, जो भी करेक्टर हैं पॉलिटिकल, उन सब से मुझे हास्य दिखता है, क्योंकि वो मैं सोचता हूँ कि जिन लोगों से लोग दुखी रहते हैं उनसे हंसी मुझे निकालनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं, चार चार लाइनें मैं सुनाता हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की जब सरकार बनी तो उन्होंने आते ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। वो सबसे पहले फैसला किया कि जहाँ कहीं भी आशिक मिजाज लोग मिले उनको पकड़ के बंद किया जाए। तो मैंने एक मुझे शरारत सूझी और मैंने कल्पना में उनसे पूछा कि एंटी रोमियो किस लिए, तो उनका जवाब मैंने हास्य में बदला। उनका जवाब जो था कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा, एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा, जो मैंने ना किया तुम्हें करने। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आई, उस सरकार पर मैंने चार पंक्तियां निकाली उससे, के धरने पे बैठ बैठ के धनंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए, हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खांस खांस करके मुख्यमंत्री हुए। तो ऐसी चीजें मैं निकालता हूँ, क्योंकि इस देश की जनता जो है मुझे लगता है कि गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से कहीं ना कहीं व्यथित है, और उस दुख को मैं अगर हंसी के माध्यम से दूर कर सकूं या थोड़ी देर के लिए भुला सकूं, तो मुझे लगता है कि जिस दिन मैं मंदिर नहीं जा पाता, पूजा नहीं कर पाता, ध्यान नहीं कर पाता, उस दिन मैं कुछ लोगों को हंसा देता हूं, चाहे वो चुटकुले ही सुनाकर हंसाऊं, चाहे कविता सुनाकर हंसाऊं। मुझे लगता है कि हंसी एक प्रार्थना की तरह है, जब मैं लोगों को हंसाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने लिखा भी कि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूं, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूं, पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूँ। तो मुझे हंसते हुए इस व्यक्ति में बिल्कुल परमात्मा की तरह दिखाई देता है वो। शुक्रिया। तो सुनील जोगी जी जो बता रहे हैं कि हास और व्यंग उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि हंसी में और किसी को खुशी देने में उनको भगवान के दर्शन होते हैं, खुदा के इबादत के समान होता है। कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ में अखिलेश, चैनल 1 भोपाल।